कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में राजनीति शास्त्र में आप नागरिक शास्त्र में आप पाठ 4 संस्थाओं के कामकाज का अध्ययन करोगे। तो जो अध्याय 4 है उसमें व्यक्तियों मतलब जो कामकाज के बारे में आपको जानकारी इस पाठ के अंतर्गत मिली। तो लोकतंत्र का मतलब जो होता है वह शासकों का चुनाव करना भर नहीं होता, मतलब जो लोकतंत्र है उसका मतलब ये नहीं होता केवल शासकों का चुनाव करना, इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था भी होती है। मतलब अगर किसी भी देश में मान लीजिए जनता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था भी क्या है वहां पर आवश्यक है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं जो बनाए जाते हैं, बनाना होता है किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था को चलाने के लिए कानून और कायदों को भी मानना पड़ता है। मतलब जो नियम कानून बने हैं उसको भी अपन को क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। संस्थाओं के द्वारा ही संस्थाओं के भीतर रहकर अपन मतलब कोई भी जब संस्था में किसी भी संस्था में अपन काम करते हैं तो संस्था के भीतर ही रहकर काम करना होता है। जैसे आप पढ़ने आते हो है ना, पढ़ने आए तो आपको उसी संस्था के पूरे नियम स्कूल के जो नियम है वो फॉलो करते हो ना, मानते हो ना, उसी प्रकार से मतलब आप किसी भी संस्था में जब आप काम करते हो कोई भी काम करता है तो उसके भीतर रहकर क्या करता है, काम करता है। और लोकतंत्र में संस्था के कामकाज से ये संबंधित है। हमें समझने का प्रयास करेंगे आज के लिए कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले और लागू नियम बनते हैं, उन्हें अपन क्या करते हैं लागू, मतलब जो नियम है उनको लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं होती हैं। मतलब जो मतलब फैसले देखे आप देखोगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस प्रकार मतलब सुझाया जाता है या उनको ठीक किया जाता है या सुलझाया जाता है, तो स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं होती हैं। वो होती है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका मतलब जो कार्य करने की प्रणाली होती है, और तीसरा है न्यायपालिका। इन सब पर अपन क्या करेंगे अब इन सब चीजों मतलब इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपने पहले ही कक्षाओं में संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी और इसमें आपने लोकतांत्रिक मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है, चुनाव कैसे होते हैं और इन व्यवस्थाओं को संस्थाओं मतलब किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर की सरकार में कामकाज के उदाहरण देंगे और राष्ट्रीय स्तर में भारत में केंद्र सरकार मतलब केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। आप मतलब इस अध्याय में पढ़ते हुए आप प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरणों पर भी क्या करोगे आप उदाहरणों के बारे में भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये हो गए कामकाज संस्था के बारे में। तो आपकी कितनी विधायिका है, कितने मतलब महत्वपूर्ण वो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाएं हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रकार से फिर भारत सरकार में कुछ मतलब जो प्रमुख नीतियों और फैसले जो भारत सरकार में प्रमुख नीतियों फैसले कैसे किए जाते हैं उस बारे में आपको बताऊंगी। कि एक सरकारी आदेश हुआ था कि भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया कि कार्यालय ज्ञापन में सरकारी आदेशों को किस तरह एक संख्या थी जिससे मतलब एक आदेश निकला उसमें छोटा सा आदेश था उसमें मुश्किल से एक पन्ना होगा जिसमें आप देख सकेंगे कि सर्कुलर में नोटिस लगेगा। जैसे कि विभिन्न मसलों में आदेश जारी होते हैं और आदेश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और कई सालों तक उनमें मतलब आप निर्णय लिया गया उसके बाद तो आपका एक मतलब एक आदेश निकला जो आरक्षण संबंधी आदेश कि भारत सरकार ने सरकारी पदों की सेवाओं के लिए 27वीं दी मतलब जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से आपको क्या मिला आरक्षण प्राप्त हुआ उस सामान्य सरकार में सरकार पिछड़ा बनती गई। उन्होंने एक मतलब जो संस्था थी सोशल एंड एक्विटी मतलब जो अवार्ड क्लासेस थी वह नौकरी के लिए आरक्षण का लाभ केवल मतलब जो SEBC मतलब जो एस ई एक संस्था है SEBC
किसको मिलता था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिल रहा है। अब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े के लिए भी तीसरी श्रेणी तैयार मतलब हो रही थी और 27वीं सदी की अलग कोटा तैयार किया जा रहा था कि 27% मतलब जो फीसदी आरक्षण है नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते। 27% कितने परसेंट मतलब जातिवार आरक्षण कितने परसेंट मिल रहा है? फिर निर्णय करने वाले मतलब जो निर्णय जो जो एक ज्ञापन था उसके जाहिर अपने उस व्यक्तियों को जितना बड़ा फैसला किया होगा उसके हस्ताक्षर और दस्तावेज थे वह अपने मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को क्या करता था? लागू करता था। और वह अधिकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री खुद निर्णय नहीं किया होगा। अनुमान सभी अधिकार जो अनुमान था वह कैसा था? सभी अधिकारी इसमें क्या थे? शामिल होंगे। अपनी पिछली कक्षा में आपने कुछ बिंदुओं पर इस पर बिंदुओं पर क्या किया था? जो राष्ट्रपति होता है क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है और उसकी औपचारिक रूप से देश में सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो जो निर्णय लेने का अधिकार है वो किसको है? देश के निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है और इसको देश में सबसे अधिक मतलब वो सबसे औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा क्या होता है? अधिकारी होता है। उसके बाद होता है प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है दरअसल मतलब देखा जाए तो सरकार की ओर से अधिकांश अधिकार का इस्तेमाल कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। फिर उसके बाद है प्रधानमंत्री की सिफारिश पे ही राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। मतलब जो निर्णय लेने के अधिकार निर्णय करने के जो अधिकार होते हैं वह मतलब जो दस्तावेज थे मंत्रियों द्वारा निर्देश को लागू करने पर वाला अधिकारी प्रशिक्षण विभाग का मंत्री खुद निर्णय नहीं मतलब कोई भी निर्णय किसके माध्यम से होते हैं? प्रधानमंत्री के माध्यम से। फिर है इसे बनाने वाले मंत्रिमंडल की बैठक भी राजकाज के अधिक जुड़े पर निर्भर होती है। फिर है सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम के बाद मतलब जो सरकारी आदेश होते हैं संसद में राष्ट्रपति और मतलब संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। कौन कौन से सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत व समर्थन क्या होता है? हासिल होता है। और इस कार्यकाल में ज्ञापन के फैसले भी इनमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो सरकारी आदेश जो होते हैं वह एक लंबे घटनाक्रम चक्र का परिणाम है। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग पिछड़ी जाति का आयोग गठित किया। तब भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी जाति का आयोग क्या किया? गठित किया। इसमें की अध्यक्षता किसने की? पीपी मंडल ने की थी। मतलब जो पिछड़ी जाति का आयोग था उसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? पीपी मंडल था। इस कारण आमतौर पर मंडल आयोग में इसे क्या कहते हैं? मंडल आयोग कहते हैं। भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग मतलब सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की पहचान के लिए मापदंड करने के लिए उसका पिछड़ापन दूर करने के लिए यह जिम्मा उनको सौंपा था कि इसमें 158 से अपनी सिफारिश मतलब सिफारिश दी थी कि आयोग का सुझाव था कि एक सिफारिश थी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए भी 27% आरक्षण देना होगा। पहले ये आरक्षण किसके लिए व्यवस्था? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। पर 1979 में एक पिछड़ी जाति गठन का आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे। उन्होंने इसकी सिफारिश से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए भी 27% को सिफारिश पे संसद में क्या की हुई? इसमें चर्चा हुई और कई वर्ष पार्टी और जो सांसद थे इसको लागू करने की क्या करते रहे? मांग करते रहे। फिर
हुआ इसको लोकसभा चुनाव हुआ जब, तो जनता ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि यह हमारी जब सत्ता आएगी तो हम मंडल आयोग की सिफारिश को क्या करेंगे, लागू करेंगे, और मतलब चुनाव के बाद दल को सरकारी नीति बनी जिसमें बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने इसको क्या किया, इस पर इसके बाद कई घटनाएं हुई और सरकार ने संसद में राष्ट्रपति की मैं के भाषण में इसे मंडल को रिपोर्ट करते हुए इसकी मतलब उन्होंने मंडल में एक रिपोर्ट रखी कि मनसा जाहिर की इसकी घोषणा की जाए। और फिर 6 अगस्त 1999 में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में औपचारिक निर्णय लिया गया जिस जब कौन थे प्रधानमंत्री बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, इसके जरिए संसद में दोनों सदनों को ये सूचना मिली कि फिर अगले कुछ महीने बाद पर देश में मतलब तो कुछ महीनों बाद क्या हुआ कि देश में सबसे अधिक ज्यादा इसकी क्या होने लगी, इस मुद्दे की क्या होने लगी, चर्चा होने लगी, सभी अखबारों और पत्रिकाओं में भी इस मुद्दे पर विचार किया जाने लगा, बहस चली, चलते चलते प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए, मतलब कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई जिसमें नौकरी में हजारों अफसर प्रभावित होने वाले थे। इसलिए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी और कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता का कारण ही मतलब जो असमानता का कारण है नौकरी में आरक्षण जरूरी है, तो इस कारण आरक्षण नौकरी में भी क्या हो गया, लागू हो गया। यह मानना उन लोगों के लिए बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनसे सरकारी नौकरियों पर मतलब जो सरकारी नौकरी में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, तो जो आरक्षण है वो आपको मतलब नौकरियों में भी फिर आपको क्या प्राप्त होने लगा, पहले शिक्षा बस में था फिर नौकरियों में भी क्या प्राप्त होने लगा, आरक्षण प्राप्त होने लगा। फिर राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है, मतलब जो कुछ आरक्षण के लिए कुछ दूसरे लोगों का यह भी मानना था कि निर्णय पिछड़े वर्ग के लिए नहीं, अवसर मतलब अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। फिर है राजनीतिक संबंध की आवश्यकता क्यों होती है, इसमें एक उदाहरण देख सकते हैं कि सरकार कैसे काम करती है और किसी देश को चलाने के लिए किस तरह की गतिविधियों में शामिल होती है, मतलब जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वह कैसे काम करती हैं और किसी देश को चलाने के लिए किस तरह की गतिविधियों में क्या होती है शामिल होती है। सरकार का एक नागरिक की सुरक्षा, मतलब सरकार का दायित्व होता है कि नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उसको शिक्षा स्वास्थ्य और सभी प्रकार की जो सुविधाएं है क्या करना उनको दिलाना उनकी क्या होती है सरकार की क्या होती है जवाबदारी या जिम्मेदारी होती है। इस पर इकट्ठा सेना पुलिस विकास कार्यक्रमों में खर्च विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाना, मतलब जो सरकार है इसमें सेना पुलिस और विकास कार्यक्रमों पर भी काम करती है और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अभी आप देखोगे प्रधानमंत्री द्वारा जन कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बीमा योजना, गरीबों के लिए कृषि योजना, मतलब खाद्यान्न योजना, बहुत सारी जो योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा क्या की जाती है समय समय पर क्या की जाती है लागू की जाती है, जिसमें विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती है और कुछ व्यक्तियों को गतिविधियों को चलाने का फैसला करना होता है और कुछ लोग इसे क्या करते हैं लागू कराना होता है और इसमें फैसलों में फिर लागू होने के बाद क्या होता है कि तय करने वाला को मतलब कोई सही निर्णय लेने के लिए इसके लिए आप क्या करोगे जानना जरूरी है कि हम करने के लिए इसे क्या है खुद भी जिम्मेदार हों, मतलब योजनाओं को मतलब आगे चालू चलाने के लिए भले ही प्रमुख पदों पर बैठे हुए बदल जाए पर चलाने के लिए क्या करना पड़ता है फैसला भी करना होता है। फिर इन लोगों ने लागू करना होता है, अगर इन फैसलों पर लागू करने में कोई विवाद होता है तो यह तय करने वाला कोई और होना चाहिए क्या सही है और
क्या गलत, सबके लिए जरूरी है कि कौन किस प्रकार को करने के लिए क्या है जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले प्रमुख पद पर बैठे लोग बदल जाए लेकिन गतिविधियां क्या रहती है जारी रहे, मतलब कोई भी योजना लागू है, कोई भी अधिकारी बदल जाए, नेता बदल जाए, मतलब कोई भी बदले लेकिन जो आपने प्रक्रिया या योजना शुरू की है वह क्या करे, मतलब जो मतलब वो गतिविधि कैसी हो, सुचारू रूप से क्या हो, चलती। फिर कामकाज में कुछ बैठक होती है, मतलब आप कोई भी गतिविधि शुरू करोगे तो कामकाज के लिए कुछ क्या होती है, बैठक होती है, कुछ समितियां बनती हैं, कुछ रूटीन में काम होता है और कुछ काम कुछ सामान्य काम भी होते हैं। इस कारण अक्सर काम में क्या हो जाती है, देरी होती है, परेशानी होती है। इसके लिए संस्थाओं के लिए कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि एक व्यक्ति सारे फैसले ले और ज्यादातर मतलब कोई व्यक्ति ज्यादातर फैसले ले, शायद हो सकता है वो ज्यादा बेहतर ना हो और आप ज्यादा बेहतर होगा, मतलब जो आप कोई भी व्यक्ति हो अगर आप देखोगे तो जब कोई भी काम करते हैं तो कामकाज के लिए थोड़ी परेशानी तो महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई ये सोच ले कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कोई भी संस्था को चलाने के लिए एक व्यक्ति ही सारे फैसले ले ये मतलब बेहतर होगा और कायदे और कानून बैठक की क्या होती है जरूरी होती है, मतलब कोई भी नियम कानून बनते हैं तो उसको आपसी बैठक के साथ मतलब कानूनों को क्या कर सकते हैं सुलझाने की क्या उनको जरूरत है। पर यह जो सोच है वह कैसी है, लोकतंत्र की बुनियादी भावनाओं के अनुकूल नहीं है। मतलब लोकतंत्र में सभी चाहते हैं कि हम निर्णय लें, सभी चाहते हैं कि हम महान, ऐसा नहीं है। तो संस्थाओं में कामकाज के तरीकों को कुछ परेशानी होती है, थोड़ा वक्त लगता है। आप कोई भी काम करोगे, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते भी हो तो नया विषय होता है, थोड़ी सी असुविधा तो होती है ना, तो उसी प्रकार संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से भी कुछ परेशानियां होती हैं, थोड़ा वक्त लगता है, कई मायनों में ये क्या है उपयोगी होता है। ऐसे में फैसलों की पहल अनेक लोग में मतलब अगर किसी संस्था में अगर काम कर रहे हैं तो कोई भी काम करने के लिए आपको राय विचार सभी से राय विचार करने का क्या मिलता है, अवसर मिल जाता है और संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्था बुरा फैसला भी जल्दी नहीं लेता। कोई भी कार्य अपन करते हैं तो उन पर पहले क्या करते हैं राय विचार, मतलब एक दूसरे की राय लेते हैं ना, राय लेते हैं कि ऐसा सही होगा कि गलत होगा। तो इसी प्रकार बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं उनमें भी एक अच्छा फैसला झटपट आसान नहीं होता, लेकिन संस्था बुरा फैसला जल्दी लेना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं को जोर देती है। तो आपको जो कामकाज में परेशानियां महसूस होती तो इन संस्थाओं मतलब जो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर क्या करती हैं इन कार्यों को करने के लिए जोर देती है। तो आज आपने कामकाजी संस्थाओं के बारे में पढ़ा और उनकी निर्णय लेने की क्षमता के बारे में पढ़ा और सरकार की कुछ नीतियां हैं जो नौकरियों के लिए आरक्षण के लिए है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों होती है और उनकी कार्यप्रणाली क्या होती है इसके बारे में पढ़ा। अब अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे 4.2 संसद। धन्यवाद।